कपिल शर्मा ने अपने कॉमेडी का एक ऐसा जादू फैलाया है जिससे उन्हें आज के समय में एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक परिवार का हर सदस्य जानता है। दोस्तों, कॉमेडी एक चीज ही ऐसी है जिसका सहारा कोई भी व्यक्ति अपने व्यस्त जिंदगी के तनाव को कम करने के लिए लेता है। और हंसना और खुश रहना किसे पसंद नहीं। कपिल शर्मा ने आज जो भी पहचान इस विश्व में बनाया है उसके पीछे एक बहुत बड़ी संघर्ष भी छुपी है। मैं आज इस वीडियो के जरिए आपको उनके संघर्ष से लेकर सफलता तक पूरी जर्नी बताने जा रहा हूं। 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में कपिल का जन्म हुआ। जितेंद्र कुमार उनके पिता पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। कपिल बचपन से ही बहुत शरारती हुआ करते थे। वो कहीं भी किसी की भी मिमिक्री करने लगते थे। वैसे कपिल को सिंगिंग भी बहुत पसंद थी। जब वो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे थे तभी पता चला कि उनके पिता को थर्ड स्टेज का कैंसर है, जिसके वजह से मानो उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। घर के सारे पैसे उनके पिता के इलाज में खर्च हो चुके थे। एक ऐसा भी समय आया कि उनके पास स्कूल में फी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उस कठिनाई भरे समय में उन्होंने हार नहीं मानी और खुद एक पीसीओ में काम करने लगे ताकि वो अपने खुद के खर्चों को संभाल सके। बाद में चलकर ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन उसी बीच उनके जीवन में एक बहुत ही दुखद मोड़ आया। उनके पिता का तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय कपिल और उनके परिवार पर यह बहुत बड़ा संकट था। घर में कोई भी इनकम का सोर्स नहीं बचा था। बचे कुचे पैसे भी इलाज में खत्म हो चुके थे। पिता के पंजाब पुलिस में कार्य करने के कारण घर का कोई एक सदस्य उनकी जगह नौकरी कर सकता था। कपिल की मां चाहती थी कि कपिल उनकी जगह ले ले, लेकिन कपिल अपने पैशन का गला नहीं घोटना चाहते थे और उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद उनके भाई ने वह नौकरी कर ली। कॉलेज में पढ़ाई के समय वो अपने टीचर्स की मिमिक्री किया करते थे, जिससे पूरा कॉलेज उनके एक्टिंग और कॉमेडी का दीवाना था। अपने प्रति लोगों की प्रशंसा सुनकर इस फील्ड में उन्होंने अपने कैरियर बनाने को सोचा। उसके बाद उन दिनों द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज शो के लिए ऑडिशन चल रहा था। उन्होंने जाकर उस शो के लिए ऑडिशन दी, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अपने पहले नाकामयाबी में ही हार मानकर अपना रास्ता बदल देते हैं, लेकिन कपिल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत मेहनत की और उसी शो के लिए अगले साल सेलेक्ट किए गए और साथ ही फाइनल भी जीता, जिससे उन्हें 10 लाख का इनाम मिला। और उन पैसों से उन्होंने अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से की। उसके बाद उन्होंने कॉमेडी सर्कस में काम किया। उनकी कॉमेडी सभी कॉमेडियंस से बिल्कुल ही अलग थी, जिससे उन्होंने लोगों में अपना अलग पहचान बनाया। बेशक उनकी जिंदगी अब पटरी पे आ गई थी, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं थे और अपनी लगन और मेहनत से अपना 100% दिए जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क लिया। अपना सब कुछ लगा के उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसका नाम उन्होंने K9 प्रोडक्शन हाउस रखा। और फिर कलर्स टीवी के साथ मिलकर उन्होंने खुद का शो कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा शुरू किया। बस तभी से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज लोग उनके जबरदस्त कॉमेडी के लिए उन्हें कॉमेडी किंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि कभी भी कठिनाइयों से मत डरिए, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए कठिनाई का भी होना बहुत जरूरी है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।